नीट 2020 क्रैश कोर्स में हम लोगों ने मैकेनिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स किए, वेव किया गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन किया गया, वेव ऑप्टिक्स किया गया। आज हम लोग उसी क्रम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है एंड आई होप कि यू ऑल विल इन्जॉय दिस टॉपिक। इसमें तीन चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, जो बिल्कुल बेसिक है। दूसरा गॉस लॉ है और तीसरा कैपेसिटर है। तो हम लोग पहले चैप्टर की शुरुआत आज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जो पहला चैप्टर है इस टॉपिक में, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मैं चैप्टर्स तो तीन ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए मैं ज़्यादातर डेरिवेशंस को, बिकॉज वी आर डूइंग क्रैश कोर्स फॉर नीट 2020 और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो समय की पाबंदी का ध्यान रखते हुए हम लोग बहुत सारे डेरिवेशंस को इग्नोर करेंगे। वो है क्या चीज़, इसकी बेसिक समझ बना करके और फॉर्मूले दिमाग में आ जाएं और उनको अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उससे पूछे जाने वाले बना सकें, इस पर अपना फोकस ज़्यादा रहेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, जो कि हाई स्कूल से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, और ये कूलम्स लॉ क्या है, तो ये दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। अगर दो चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज है Q1, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन देता है। अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन है R, तो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन कूलम्स लॉ से हमें मिलता है, और वो कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स चार्जेज के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन चार्जेज के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन, अगर एक ही क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के प्रोपोर्शनल है तो वो उनके प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम लोग इक्वालिटी में बदलेंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r². ये दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, फोर्स के एक्सप्रेशन में फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड करना चाहें, तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सपोज कीजिए चार्ज Q1 के रिलेटिव Q2 के पोजिशन वेक्टर को वेक्टर r बोलें। वेक्टर r इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 रिलेटिव टू चार्ज Q1, और वेक्टर r के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लें r कैप। तो वेक्टर चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट।
तो उस वेक्टर के आर वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आर कैप है तो वेक्टर आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर मीन्स वेक्टर आर अपॉन आर। तो इन वेक्टर फॉर्म दिस कूलम्स लॉ कैन बी रिटेन एज इन वेक्टर फॉर्म दिस कूलम्स लॉ कैन बी रिटेन एज वेक्टर एफ चार्ज क्यू वन के द्वारा चार्ज क्यू टू पर लगाए जाने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं इसलिए उसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। वेक्टर एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर आर कैप। इसका मतलब क्या है, अगर इसका आप मॉड लेंगे तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और इसका मॉड लेंगे तो इधर आर कैप का मॉड वन हो जाएगा तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का ये वाला एक्सप्रेशन चलाएगा और इसकी दिशा वही होगी जो आर कैप की दिशा है। अब अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं आइदर बोथ दी चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ दी चार्जेस आर नेगेटिव दोनों चार्जेस अगर एक जैसे हैं लाइक हैं तो प्लस इंटू प्लस भी प्लस रहेगा माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा तो एफ की दिशा आर कैप के लॉन्ग होगी। ये चार्ज इस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इसका मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस हैं दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वैसे हालत में प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और उस माइनस को अगर माइनस आर कैप लिख दें आर कैप के साथ उस माइनस साइन को ले लें बिकॉज वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो नहीं सकता वेक्टर के साथ आने वाला नेगेटिव साइन उसका डायरेक्शन सिग्निफाई करेगा तो इस माइनस साइन को अगर आर कैप के साथ लिख दें इसका मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन माइनस आर कैप के लॉन्ग होगा। तो अगर इन दोनों में से एक चार्ज पॉजिटिव और कोई भी दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो उनके बीच जो इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा वो माइनस आर कैप के लॉन्ग होगा मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। और इस आर कैप को आप लिख दे सकते हैं वेक्टर आर अपॉन आर। तो वेक्टर आर अपॉन आर लिखेंगे तो एक चार्ज के रिलेटिव दूसरे चार्ज के पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन हो गया एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगाए जाने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। तो कूलम्स लॉ के हेल्प से हम लोग दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को बताते हैं। दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड, फील्ड एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग समझना चाहें तो आपको पता है कि फिजिक्स में टर्म्स की मीनिंग नहीं बदलती है। फील्ड का जो मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में होगा फील्ड का वही मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में होगा, फील्ड का वही मीनिंग ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में होगा। फील्ड इज फील्ड, फील्ड की कोई एक मीनिंग होगी फिजिक्स के अंदर में। तो फील्ड किसे कहते हैं और उस फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला फिजिकल कॉज क्या है, इसके हिसाब से उस फील्ड का हम लोग नामकरण करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मान लीजिए स्पेस में कहीं पर किसी स्पेस के किसी गिवन पोजीशन पर कोई चार्ज है या बहुत सारे चार्जेस का एक कॉन्फिगुरेशन है तो उस चार्ज
या चार्जेस के उस कॉन्फिगुरेशन या किसी चार्ज्ड बॉडी के कहीं पर प्रेजेंट होने के वजह से उसके चारों ओर के स्पेस में, उसके चारों ओर के स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर कोई एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो उस चार्ज के रहने की वजह से, अगर वो चार्ज वहां नहीं होता तो वो वाली फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेस के डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होती। अगर उस चार्ज को आप वहां से हटा लेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी स्पेस से डिसअपीयर कर जाएगा। तो किसी चार्ज के कहीं पर प्रेजेंट रहने के वजह से उसके चारों ओर के स्पेस में, स्पेस के अलग अलग पोजीशंस पर एक कोई फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है, वो उस चार्ज के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और अगर उस फील्ड के अंदर कहीं भी, जैसे दो चार्ज को अभी हम लोगों ने कूलम्स लॉ में देखा कि जब दो चार्जेज सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तब भी वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो इस एक्शन एट ए डिस्टेंस की बात को समझने के लिए फील्ड का कॉन्सेप्ट शुरू में लाया गया था कि एक्शन एट ए डिस्टेंस एक टू स्टेप प्रोसेस होता है। जब कोई चार्ज कहीं पर प्रेजेंट है तो अपने चारों ओर अपना फील्ड बनाता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी उसके वहां रहने के कारण उसके चारों ओर के स्पेस में डेवलप कर जाती है, और उसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये चार्ज डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, टच नहीं कर रहा उस चार्ज को, लेकिन अपने फील्ड के थ्रू उसके साथ कॉन्टैक्ट में है। एंड दिस चार्ज इंटरैक्ट्स विथ द अदर चार्ज थ्रू इट्स फील्ड। जहां पर वो दूसरा वाला चार्ज आपने रखा उसके पोजीशन पर इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस दूसरे वाले चार्ज के साथ इंटरैक्ट करेगा और उस पर फोर्स लगाएगा। हर फोर्स के लिए कोई ना कोई फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेवार होगा। तो कोई भी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो थ्रू फील्ड करता है। तो फील्ड का यही कॉन्सेप्ट है कि किसी चार्ज या किसी चार्ज कॉन्फिगुरेशन या किसी चार्ज्ड बॉडी के स्पेस में कहीं पर प्रेजेंट होने की वजह से उसके चारों ओर के स्पेस के डिफरेंट पोजीशंस पर कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसी चार्ज के वजह से डेवलप किया, अगर वो चार्ज वहां नहीं होता तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेस के उन पोजीशंस पर प्रेजेंट नहीं होती, अगर आप उसको हटा लेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिसअपीयर कर जाएगी। इस फिजिकल प्रॉपर्टी को उस चार्ज के द्वारा डेवलप करवाया गया फील्ड कहते हैं। और स्पेस के किसी गिवन पोजीशन पर का फील्ड कितना है, मान लीजिए कहीं पर कोई चार्ज प्रेजेंट है या कोई चार्ज कॉन्फिगुरेशन प्रेजेंट है या कोई चार्ज बॉडी है कहीं पर, तो उस चार्ज के द्वारा स्पेस के किसी गिवन पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो जिस पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जानना है उस पोजीशन पर एक पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को किसी तरह से मेजर करते हैं। मान लीजिए हमने पॉइंट चार्ज प्लेस किया क्यू, यूजुअली इसको टेस्ट चार्ज बोला करते हैं, बिकॉज इस चार्ज को हम प्लेस ही कर रहे हैं ये टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए कि उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, है तो कितना है और किधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, इट विल हैव सम मैग्नीट्यूड एंड इट विल हैव ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो अगर Q चार्ज को हमने स्पेस के किसी गिवन पोजीशन पर प्लेस किया और इस Q चार्ज ने F फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, उसी को कहेंगे उस पोजीशन पर का फील्ड। सो E इज डिफाइंड एज
एफ बाई क्यू, ई इज डिफाइंड एज एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड होता है, किसी पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का तरीका है कि उस पॉइंट पर आप एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज क्यू रखें और मेजर करें कि उस चार्ज पर कितना फोर्स लगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इसी को कहेंगे उस पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से क्या क्लियर है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्पेस के किसी गिवन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू आप प्लेस करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाया जाएगा क्यू टाइम्स ई। और अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज इज स्केलर, ये स्केलर इनटू वेक्टर का केस है, स्केलर इनटू वेक्टर वेक्टर होता है, और अगर स्केलर पॉजिटिव है तो इस वेक्टर की दिशा वही होती है जो इस वेक्टर की है, और अगर स्केलर नेगेटिव होगा तो इस वेक्टर की दिशा इसके ठीक उल्टी होगी। मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड होगा तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू एंड एफ इज इक्वल टू क्यू ई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। व्हाट डज दिस मीन, हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से दिया जाता है, 1/4πε0Q1Q2r2। कूलम्स लॉ में जो K हम लोगों ने लिया था कांस्टेंट, उसका वैल्यू CGS यूनिट में 1 होता है और SI यूनिट में उसका वैल्यू 1/4πε0 लेते हैं अगर चार्जेस एयर या वैक्यूम में प्लेस्ड है तब। कूलम्स लॉ में जो हम लोगों ने K लिया था उस K का वैल्यू 1 होता है इन CGS यूनिट, अगर सारा मेजरमेंट CGS यूनिट में किया जाए, चार्जेस मेजर किए जाएं ESU में या स्टैट कूलम में, चार्जेस के बीच का सेपरेशन मेजर किया जाए सेंटीमीटर में, तो K का वैल्यू 1 होगा, और इस K का वैल्यू 1/4πε0 होगा इन SI यूनिट, अगर सारा मेजरमेंट SI यूनिट में किया जाए, चार्जेस मेजर किए जाएं कूलम में, चार्जेस के बीच का सेपरेशन मेजर किया जाए मीटर में, तो इसका वैल्यू 1/4πε0 कब होगा, व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और इन एयर, व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड आइदर इन वैक्यूम और इन एयर, आइदर इन वैक्यूम और
इन एयर, और इसका वैल्यू 1/4πε होता है व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड एसआई यूनिट में व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मटेरियल मीडियम अदर देन एयर, इन अ मटेरियल मीडियम अदर देन एयर। इस एप्साइलन नॉट को बोलते हैं, इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10^12 यूनिट्स। यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं वहां से। और एप्साइलन कहलाता है, एप्साइलन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मटेरियल मीडियम, जिसका वैल्यू अलग अलग मटेरियल मीडियम के लिए अलग अलग होगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मटेरियल मीडियम, गिवन मटेरियल मीडियम। ओके, तो अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। हम लोग अभी के बाद से सारी बातें ये एज्यूम करके करेंगे कि हम लोग सारा मेजरमेंट एसआई यूनिट में कर रहे हैं एंड चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो 1/4πε0Q1Q2r2, और उस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि जब r इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, जब इन्फिनिटी मीन्स ऐसा नहीं है कि एक चार्ज अर्थ पर हो और एक चार्ज मून पर हो, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी मीन्स उतना बड़ा सेपरेशन जिस सेपरेशन पर दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इतना कम हो जाए कि वो मेजरेबल न रहे, हमारा कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर न कर सके, मतलब फोर्स इतना कम हो जाए कि वो फील होना बंद हो जाए, तो हम कहेंगे कि दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन इफ टेंड्स टू जीरो व्हेन आर टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम कहते हैं कि दो चार्ज अगर इनफाइनाइटली सेपरेटेड होंगे तो वो एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अब अगर दूसरे चार्ज को इस पहले वाले Q1 के नजदीक, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, Q2 वॉज फार 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 अवे एट एन इनफाइनाइट सेपरेशन, फिजिक्स में इनफाइनाइट सेपरेशन एक मिलीमीटर का सेपरेशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब बहुत बड़ा सेपरेशन नहीं, न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए मिलीमीटर्स का सेपरेशन इज इनफाइनाइट सेपरेशन, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस टेंड टू जीरो व्हेन सेपरेशन गोज बियॉन्ड फेमटोमीटर, सो 1 मिलीमीटर सेपरेशन इज इनफाइनाइट सेपरेशन फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। उस सेंस में इन्फिनिटी वर्ड को हमें यहां पर देखना है। तो अगर Q2 वॉज फार 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 अवे मीन्स एट इनफाइनाइट सेपरेशन एट इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम Q1, और अब Q2 को Q1 के नजदीक लाना शुरू करते हैं, तो जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट एक फाइनाइट सेपरेशन तक लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट नीड्स टू डू वर्क, और उस वर्क को करने में जो एनर्जी खर्च होगी वो इन दोनों चार्जेज के सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर के स्टोर हो जाएगी, बिकॉज जब हम दो चार्जेज का कॉन्फिगुरेशन बनाते हैं तो साथ साथ एक बात और होती है कि इन दोनों चार्जेज के चारों तरफ के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है इन चार्जेस का, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एनर्जी स्टोर होती चली जाती है। तो जितना आप वर्क करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा उस कॉन्फिगुरेशन को बनाने में, उतनी एनर्जी उसकी खर्च होगी, और वो एनर्जी उस चार्ज कॉन्फिगुरेशन के चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर के स्टोर हो जाएगा।
तो आप जब ये सारी बातें सोचेंगे तो ये मानते हुए कि जब दो चार्जेस, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी एक तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइंड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी एक तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइंड होता है, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है फॉर ए सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो जब दो चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे तो वो नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स की तरह होंगे, और उनके पोटेंशियल एनर्जी को यूजुअली हम लोग जीरो ले लेते हैं। वैसे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सेपरेशन के पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो मान सकते हैं, और दूसरे सारे कन्फिगुरेशन की पोटेंशियल एनर्जी उसके रिलेटिव आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसके तुलना में कितना ज्यादा या उसके तुलना में कितना कम। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इनफाइनाइट सेपरेशन के ही पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना है, किसी भी सेपरेशन के पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान करके काम कर सकते हैं, किसी भी कन्फिगुरेशन के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं, और उसके रिलेटिव दूसरे सारे कन्फिगुरेशन की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। बट यूजुअली अगर कुछ नहीं कहा हुआ है सवाल में, कुछ नहीं स्टेटेड है, तो हमें यह समझना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है वो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन को लिया गया है। मतलब जब दो चार्जेस इनफाइनाइटली सेपरेटेड होंगे तब उनके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है, और उसके रिलेटिव दूसरे सारे कन्फिगुरेशंस का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है। तो अगर हम ये मान करके एक्सप्रेशन लिखें कि जब दो चार्जेस इनफाइनाइटली सेपरेटेड होंगे तब उन दो चार्जेस को मिलाकर के बने हुए सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे, तब जब दो चार्ज आर सेपरेशन से सेपरेटेड होंगे, जब दो चार्ज क्यू वन और क्यू टू एक दूसरे से आर सेपरेशन से सेपरेटेड होंगे, तब इन दो चार्जेस को मिलाकर के बने हुए सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 / R। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को बढ़ाएं, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, What will happen to the electrostatic potential energy of the system of those two charges? क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो आम तौर पर स्टूडेंट सीधे देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जब आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी को घटना चाहिए। तो जब हम चार्जेज के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो दोनों चार्जेज को मिलाकर के बने हुए सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और आंसर कर देते हैं डिक्रीजेज। बट प्लीज बी केयरफुल, आपको चार्जेस का नेचर भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं, आइदर बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर निगेटिव, तब तो ठीक है, दोनों निगेटिव हैं तब भी माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों पॉजिटिव हैं तब भी प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और अगर ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव है तो R बढ़ाएंगे तो U घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। लेकिन अगर ये चार्जेस अनलाइक हैं, दोनों में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो प्रोडक्ट विल बी निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी निगेटिव। तो जब आप R बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, लेकिन निगेटिव होने के कारण हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दो चार्जेज के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो उन दोनों चार्जेज को मिलाकर के बने हुए सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो हमें आंसर देना चाहिए इट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर दी चार्जेज आर लाइक और अनलाइक, इसके हिसाब से वो चेंज करेगा। अब अगर दो चार्ज के बीच का फासला हम बदलेंगे, मान लीजिए दो चार्जेस R1 सेपरेशन से सेपरेटेड थे,
अब उनके बीच के फासला को, उनके बीच के सेपरेशन को हमने R1 से बदल करके R2 कर दिया। तो अगर आप दो चार्जेज के बीच का सेपरेशन बदलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कहने का मतलब इसको दूसरे तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का या चार्ज कॉन्फिगुरेशन का। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों ओर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे सर्टेन डिस्टेंस पर किसी गिवन पोजिशन पर एक दूसरा चार्ज है। अब इस दूसरे चार्ज को हम यहां से कहीं और ले जाएं तो फील्ड, जब ये पोजीशन बदलेगा तो फील्ड बदलेगा, ये पोजीशन बदलेगा तो फील्ड बदलेगा। पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट। जैसे अगर पॉइंट चार्ज क्यू है तो इसके रिलेटिव पोजिशन वेक्टर आर पर वाले पॉइंट पर यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0qr² आर कैप, मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0q/r². तो अगर किसी चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज है और ये पोजीशन बदलेगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाएगा, तो द फील्ड विल डू वर्क। फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा होगा, इसका फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स के लगते हुए वो उस फील्ड में डिस्प्लेस हो रहा है, फील्ड के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहा है। तो इस चार्ज का फील्ड इस पर वर्क करेगा, तो जब फील्ड वर्क करेगा तो फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी बदलेगी, उसी स्टोर्ड एनर्जी को खर्च करके वो वर्क कर रहा होगा। मतलब अगर कोई चार्ज क्यू, कोई पॉइंट चार्ज क्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है, पोजीशन वेक्टर आर वन वाले पोजीशन से पोजीशन वेक्टर आर टू वाले पोजीशन तक जाता है, और ऐसा करने से अगर फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू आर वन से बदल के यू आर टू हो जाती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को फील्ड के उन दोनों पोजीशंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ फील्ड इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करेंगे, वी आर टू माइनस वी आर वन इज इक्वल टू यू आर टू माइनस यू आर वन बाई क्यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पोजीशंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगा। आज हम लोग इस चैप्टर के डिस्कशन को यहीं खत्म करेंगे। एक लेक्चर अभी और हम लोग इस चैप्टर में लेंगे जिसमें अभी बहुत सारी बातें करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, और उन सारे बातों और उनसे रिलेटेड फार्मूलों को ब्रीफ करने के बाद फिर हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। और हम लोग हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीनों चैप्टर्स की या कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और गॉस लॉ की थ्योरी एक साथ ब्रीफ कर दें और तब दोनों का सवाल एक साथ बनाएं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में दोनों के कॉन्सेप्ट्स मिले जुले होते हैं।
तो वो हम लोग तय करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर की बची हुई थ्योरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।